यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रे पर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इससे सैलानियों को काफी सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक कुल्लू डिपो के पास करीब 25 बसें उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से 19 बसों को समय से नहीं चलाया जा रहा है, जिससे सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जो भी बसें समय से नहीं चलाई जा रही हैं, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। एनजीटी के आदेशों के बाद इलेक्ट्रिक बसें विशेष तौर पर रोहतांग दर्रे के लिए चलाई जाएंगी, ताकि सैलानियों को सुविधा मिल सके। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिससे सैलानियों को कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। पर्यटन नगरी मनाली की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है और सैलानियों के अनुभव को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इलेक्ट्रिक बस सेवा के ज़रिए कहीं ना कहीं सैलानियों को लुत्फ़ उठाने में ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके चलते इस बस सेवा की शुरुआत की जा रही है और सैलानियों को सुविधा सही तरीके से मिले, इसी के लिए इस इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। पर्यटन नगरी मनाली में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करने से कहीं ना कहीं सभी पर्यटकों को सुविधा हो जाएगी और सैलानियों को भी इससे ज़्यादा सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बसेज अभी हमारी एक दो दिन में प्रारंभ होने वाली और चलने वाली है, क्योंकि उससे पहले तो बर्फ भी इतनी अधिक थी कि वहाँ पर रोहतांग में गाड़ियाँ खड़ी करना, उनको पार्क करना, ये सब भी यानी कि समस्या थी। तो अब यह कि जब रोड हमारा थ्रू है गाड़ी पार्क करने के लिए जगह, तो अब हम एक आध दिन में कल या परसों में हमारी बसेज जो है इलेक्ट्रिक बसेज चलने वाली हैं।